टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 खबर की। मुंब्रा में बढ़ते कोरोना के मामले, पति पत्नी घर में छापते थे नकली नोट, 14 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला, शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर यान में लगी आग, तेज रफ्तार कार गिरी गड्ढे में। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं, मुंब्रा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 20 मार्च को मुंब्रा में कोरोना मरीजों की संख्या 13 मिली है। वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भी मुंब्रा शहर के लोग टीका लेने की संख्या इनमें काफ़ी कम है। और अब मनपा के कर्मचारी नैनेश भाले राव ने बताया है कि रशीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा, मुंब्रा के और भी कई अन्य अलग अलग इलाकों में लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दौरान लोगों से और मनपा कर्मचारियों के बीच में वाद विवाद भी हो रहा है, मगर मनपा कर्मियों का कहना है कि लोग उनका समर्थन करें। रतलाम के एक व्यापारी दंपत्ति राहुल कसेरा और मेघा कसेरा को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 12 लाख रुपए भी मिले हैं, जिससे सोना खरीदने की ये फिराक में थे। ये दंपत्ति अपने ही घर में नकली नोट छापते थे। इन नकली नोटों के जरिए ये गुजरात में जमकर खरीदारी किया करते थे। पुलिस ने गुप्त जानकारी पर इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके घर से नकली नोट छापने का सामान, एक प्रिंटर, काउंटिंग मशीन, लैपटॉप, नोट छापने का 1000 कागज, लगभग 43 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मनकौरा में 14 साल के सरफराज के ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 14 साल के सरफराज अपने दोस्त शहबान के साथ में बाइक से मनकौरा से त्रिकोलिया चौराहे पर आटा लाने गया था, मगर वापस लौटते समय एक ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने के समय बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक शहबान चला रहा था। उसे मामूली रूप से चोट लगी है, मगर सरफराज मिट्टी से लदी ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गया। ट्रॉली का पहिया कमर से नीचे के हिस्से पर चढ़ने की वजह से काफ़ी खून बह गया। तत्काल सरफराज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, मगर इलाज के दौरान 14 साल के सरफराज की मौत हो गई। लखनऊ दिल्ली रूट पर चलने वाली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन के जनरेटर यार्ड में आग लग गई। इस वजह से ट्रेन घंटों गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन से लगातार आग और धुएं निकलने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तेज रफ्तार कार गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 3 लोगों को मामूली रूप से चोट लगी है। आजमगढ़ के निजामबाद फरिया चौकी पर अनियंत्रित होकर एक कार रोड के किनारे गड्ढे में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार, जिनके नाम है इब्राहिम, फरहान, उस्मान, शारिक, ताबिस, इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 3 लोगों को मामूली रूप से चोट लगी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।